नमस्कार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, स्वागत है आप मन के मोर यूट्यूब चैनल राजरानी सजीव व्लॉग में। आशा करता हूँ आप मन एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त हो और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग ला चलो शुरू करते हैं, अपन वीडियो में बने रहो। और सुजान से टिका खाते इमली खाते बाबू दिखा दे कर इमली ला मस्त वाला इमली खाते है। सुजान चला नीचे चला नीचे माँ जल्दी चल नीचे तुम खवा लाए थोड़ा दादा खींचू रे चल नीचे चल कहता फोटो खींचू हम फोटो खींच कर थे ले बता है मैं जा थोड़े बाबा दे दौड़ा भागी कर रहा तेरा कटोरी धर ले सुबह चलते चल 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 फोटो खींचा थे तो रोज तो देखते तो संगवारी मन अब का फोटो खींचू वो जी स्पेशल चीज में खींचबे तो मजा आते जैसे संगवारी हो रोज दिन कौन फोटो खींचे खास दिन में खींचना चाहिए कुछ स्पेशल दिन में फोटो खींचबे तो गैलरी भरे पड़े है बता कितना मोबाइल खाली करल पड़ते बाबू चलो चला जल्दी आ मैं जा तो चल कुदाओ नहीं ते गलत फहमी में ते कुराई थी मैं लुका तो नीचे में माता माता वीडियो बने रहो चाय बनाऊ अभी है ना वीडियो बने रहो चाय गुड़ वाला अभी बन रही खीर गुड़ वाला है ना तो भी खीर निकाला थे करा ए सूर्यांश देख सूर्यांश बैठे है ओकर दो संगवारी है करा थे वो घुमा थे पिछुड़ा में बैठो ना अभी ना गुड़ वाला ज्यादा अच्छा लगता सब्जी का गुड़ वाला ही खीर बने है और गुड़ वाला ही चाय बना थे तो चलो दिया बाती लगा लेते पहले उसके बाद चाय पिए सोमवार को खाना पीना बन चुके हैं और जल्दी क्या बजा था अभी 8 बजे वैसे टाइम हो गया खाना खा के टीवी भी ना सुनना हो गया घर सुनना हो माता का कहा कर रहा तू हाँ संगवारी हो देखो कत्ता सुंदर दिखा थे ए दाना हा है ना काबर एकदम मीठा वाला हो ही मतलब कल से पचबा दिखे तो मीठा रहते और कई था ना लाग रहे तो सीठा रहते ऐसे होते लेकिन ये है जैसे दिखा तो वैसे ही एकदम सुंदर मस्त है ना संगवारी हो तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर खाना वाना खा चुके हैं सब कोई मतलब मैं आज खाना नहीं खाया हूँ मतलब आज मैं खीर खाऊंगा बल्कि मन करूँ बहुत सारा खीर बने दी तो मैं खाना स्किप करूँ खीर खाऊंगा बहुत अच्छा लगते और संगवारी हो अभी मैं देखा तो बादल में थोड़ा नज़ारा तो मोला चंदा मामा कहीं नहीं दिखाई दे ऐसा मतलब आज चांद निकले ही नहीं है और ना ही एक भी तारा नहीं निकले है देख सकते हो कोई तारा नहीं है ना कोई चंदा मामा कुछ नहीं है और आज मतलब पता नहीं काबर नहीं निकले है चंद्रमा नहीं पता मोला और संगवारी को सकट व्रत में चांद ला देख के ही व्रत ला खोलते ऐसे में सुने हूँ है ना काबर की हमार तरफ तो होती पर कबू सकट व्रत ला जाना थी नहीं रहे संगवारी मतलब ये सकट व्रत हमारे मन के लिए पूरा नया रिस ऐसे भी कोई व्रत होते करके अभी मतलब ये आए के बाद पता चलीस ऐसे मान सकते हो और से पहले कोई जानकारी नहीं रही समझ ला काबर की होती पर कोई रहा ही नहीं संगवारी तो कैसे जान वो ना आस पड़ोस में ना कोई स्कूल कॉलेज में ना कभी सुने रहे ना कभी देखे रहे तो कैसे जानबो है नी तो पहली बार सुने हो बहुत सारा चीज़ ना बोला यहाँ आए के बाद बहुत कुछ नया नया देखे पर सुने पर मिलते कुछ कुछ शब्द मन बहुत नया रहते ठीक है तो ऐसे होते अलग अलग जिला का अलग अलग थोड़ा से बोली भाखा मन थोड़ा से शब्द में हेरा फेरी होते है ना तो ऐसे भी होते तो अभी ना कोई जान वान तो निकले नहीं है तो चलो मैं चलता हूँ अभी ना मैं यहाँ जस्ट अपन स्वेटर निकाले हूँ कवर की आज ना मतलब आज तो नहीं मतलब अभी बोल सकता हूँ आज नहीं अभी थोड़ा देर पहले ना मैं एकदम गर्मी लग रही है तो निकाल दूँ और भुगतान को ठंडी लग रही है और अभी मोल करना है संगवारी हूँ एक ठक मोल पेंडिंग का जो अरे ये
का है ना कपड़ा ला निकाल के लाए के बाद में फॉल नहीं करे हो काम ला तुरंत कर लेते ना तरफा छत्तीसगढ़ वही ज़्यादा सही है संगवारी हो बाद वाला काम बाद ही हो जाते और बोरिंग हो जाते तेकर सच्चा तुरंत करो तत्काल करो है ना। तो चलो मैं ये काम ला करता हूँ करा मिलता हूँ संगवारी हो तो का होते ना मैं हाँ कपड़ा निकाले बार जाता हूँ ना छत में तो अपन सब वो बाकी कपड़ा मतलब फोल्ड कर लेते मोर सूट उठ रहते या फिर एक करो बाकी कपड़े रहते थे लेकिन मुझे जो साड़ी रहते ना जैसे साड़ी वाड़ी पहने रहता हूँ तो साड़ी ना फोल्ड नहीं करो गंदा हो जाएगी सीधा उठा के ला लेता हूँ रूम में करूँ करके और रूम में ला के कहा इतनी फेंक देता हूँ बाद में करूँ करके तन बाद वाला काम इसने होते समझ बाद तो कहा कर दे तो मोला ना जन बहनी है कमेंट कर रही से सब्सक्राइबर बहनी है रे तो दीदी ते हाँ साड़ी पहनी का साड़ी में ही ज़्यादा अच्छा दिखता है करके तो हाँ बिल्कुल सच बात है बहनी कि साड़ी में सिर्फ मैं ही नहीं हर कोई अच्छा दिखती है और ये कोई झूठ बात न हो ये बिल्कुल सच बात है कहावत कि शादी के बाद साड़ी कोई भी पहनते तो एक अलग लुक एक नया रूप एक अलग अंदाज में दिखते और ज़्यादा सुंदरता दिख के आते साड़ी में ये तो एकदम बिल्कुल सच बात है। पर कहते संगी मतलब मैं आप मतलब बोलना चाहता हूँ कि हर कोई चाहते कि मतलब ओकर लाइफ ओकर तरीका से रहा है वो हर प्रकार के फ्रीडम मिलोला और हर प्रकार से अपन लाइफ एंजॉय करे है ना। तो हमारे जो समाज है ना संगवारी हो वैसे सोचते कि शादी के बाद एक बहू ला सिर्फ और सिर्फ साड़ी में देखना चाहते ये सिर्फ हमारे गांव स्तर के बात ना ये शहर स्तर के बड़े शहर के सब जगह के बात है सब जगह एक ही नियम चलते संगवारी हो कि शादी हो गई तो बहू ला घूंघट में देखना है साड़ी में देखना है संस्कारी देखना है ऐसे है ना। तो ऐसे होते सबके सोच है और ज़्यादातर मन ऐसे ही सोचते बड़े बुजुर्ग जो है ना वो ज़्यादातर मन ऐसे ही सोचते वो तो आपके जनरेशन के कुछ कुछ मन धीरे धीरे होकर मन के सोच बदलाव आवा तो धीरे धीरे अपन बहु बेटी मन ये सब चीज़ की आज़ादी देते कि वो अपन तरीका से अपन मर्जी से हर प्रकार के कपड़ा पहन सके और अपन जिंदगी ला खुशी खुशी जी सके है ना। तो कहा होते संगवारी हो कि साड़ी में तो अच्छा दिखते ये गलत बात न हो लेकिन मोला मैं अपन पर्सनली बता दो कल वो मोर बारे में पूछे तो मोला साड़ी पसंद है बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है और मोला सूट भी बहुत ही पसंद है ना। तो मैं हफ्ता के चार दिन तो सूट पहनता हूँ तीन दिन साड़ी पहनता हूँ और कभी कभी ऐसे भी होते कि मैं पूरा हफ्ता सूट पहनता हूँ और हफ्ता के बाद में साड़ी पहनता हूँ। तो सच बताऊँ जब एक हफ्ता बाद साड़ी पहनता हूँ ना तो ऐसे लगता है कि मैं आज कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार हूँ कबर कि मैं आज साड़ी पहनूँ सच बताऊँ तो मोला भी साड़ी पहन के बहुत अच्छा फीलिंग आता है तभी मैं ना साड़ी पहन तो दिन ऐसे लगते कि आज कुछ अलग तरीका से कुछ ज़्यादा अच्छा से रेडी हो जाता हूँ मैं साड़ी पहनूँ ऐसे अंदर से खुशी आते। तो मोला लेकिन दोनों ही पसंद है संगवारी हो देखो लोगों की सोच कैसे बदलती मतलब हर कोई की बातें सिर्फ एक झने ला नहीं बोला था देखो संगवारी हो मतलब बहू और बेटी में कितना फर्क आ जाते है ना। जब बेटी रहते तो वो सूट पहने कुछ पहने मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना अड़ोसी ला ना पड़ोसी ना परिवार ना निवार कोई कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे वो बहू बन गए तब वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब ला बहू ला मतलब बहू बन गए मतलब बेटी भी बहू बन गए तो ऐसे सोचते हाँ बहू बन गई हमारी बेटी तो वो साड़ी पहने है ना। और ऐसे होते कि अगर वो घर की मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो पड़ोसी दिक्कत हो जाती है आई वो काबर साड़ी पहने काबर सूट पहने ऐसे वाला हो जाते है नहीं। लेकिन मोर ये सोचे कि बेटी है भी बहू हरे और बहू है भी बेटी हरे बेटी है पहली बेटी बनते और बाद ही तो बहू बनते ना। और जब देखे बार आते कोई भी घर के मन लड़का वाला मना तो पहले सूट में ही तो पसंद करते ना सूट में ही तो देखते ना सूट में कोई बुराई नहीं है तभी तो पसंद करते ना। और अपन बेटी ने सूट काबर पहन लेते इकरे से तो पहन लेते ना सूट में भी कोई बुराई नहीं बस वो शादी हो गई तो बहू बन गई लेकिन हाँ साड़ी में ज़्यादा अच्छा दिखते ये भी बात सच है। तो संगवारी को मैं बस अच्छी बोलना चाहता हूँ आप जम्मो संगवारी मन करा कि अगर आपके घर में परमिशन मिला थे आप मतलब सूट साड़ी सब चीज़ पहनने के हर चीज़ के अधिकार है तो क्यों ना आप मतलब वो चीज़ के आनंद लो और खुशी खुशी अपन जिंदगी आसान करो। तो हमारे घर में हमला देखो हम गांव में रहता फिर भी हमें शहर वाला लाइफ स्टाइल जीतन संगवारी हुई आप सबके सामने है कोई झूठ वाला बात नहीं है। और बहुत जन ऐसे भी होते कि जो शहर में तो रहते लेकिन वो शहर वाला जिंदगी नहीं जिए वो गाँव वाला लाइफ जीती ये भी बात सच है कबर कैसे बोल बहुत जन कमेंट में बोल चुके हैं दीदी हम तो शहर में रहता लेकिन फिर भी हमारा आप जैसे जिंदगी नहीं मिले है मतलब इतना फ्रीडम नहीं है हमारे पास ऐसे करके तो ये भी सच बात है ना। और मैं ज़्यादा दूर ये नहीं जाऊँ संगवारी अपने आस पड़ोस परिवार रिश्तेदार में देखे हों कि वो तो शहर में तो रहते लेकिन शहर वाला जिंदगी नहीं है उनके पास और मैं गाँव में तो रहता हूँ लेकिन मेरे पास शहर वाला जिंदगी है ना।
तो सब अपन अपन घर के सोच और अपन अपन परिवार के अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से होते संगवारी हो। मोर घर में ये सब चीज़ के मोला अनुमति है तो मैं कर दो, और हर कोई के घर में तो रहा भी नहीं। बहुत झन के घर में तैसे सोचते कि सिर्फ बहू ऐसा सूट पहन अपन मायके में पहन सकता, और बहुत झन के घर में तैसे रहते ना इस मायके पहनना है ना ससुराल पहनना ऐसे भी। और बहुत झन के तो ससुराल में से कोई दिक्कत नहीं रहा, मायके वाला ही वाला परमिशन नहीं थे सूट पहनने का, ऐसे भी मैं देख चुके हूँ संगवारी हो। बहुत झन के माँ बाप मन भी ऐसे बोलते कि नहीं अब शादी हो गया ना तो साड़ी भी पहनना है, सूट लाइती होती बांट देते जानबूझ के ताकि वो सूट मत पहन सकते, ऐसे भी मैं देखे हूँ। लेकिन ये गलत है संगवारी हो, सूट में कोई बुराई नहीं है। शादी हो गया कर मतलब ये नहीं कि हमारे से सूट से अधिकार ही हट गई या फिर हमारा सूट कभी जिंदगी में पहने के पहनबो तो मतलब कोई बहुत बड़े सजा मिली, ऐसे नहीं है। सूट में कोई बुराई नहीं, सूट भी बहुत अच्छा चीज़ है, पहन सकते हो बिल्कुल पहन सकते हो। तो बस यही से बात करना रही संगवारी हो कि लोगों के सोच बेटी और बहू में कितना फर्क करते, लोग कितना मतलब दोनों में नाप तौल करते हैं ना, पहनावा ओढ़ावा उठना बैठना खान पान में जज करते, ये चीज़ ला बस सोचना। लेकिन मैं वो जो कमेंट कर रही थी बहनी ओला कुछ भी नहीं बोला तो बस लोगन ला मोर वीडियो के थ्रू मतलब बहुत झन मोर अक्सर मोर वीडियो ला दीदी बहनी मन देखते, तो मैं अपन वीडियो के जरिए मतलब अपन मन की बात बता दो पर राय दे दो। आप मन भी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो संगवारी, ताकि आपकी सोच भी हम मोला पता चले मोर कमेंट के जरिए, जैसे मोर सोच आप मतलब मोर वीडियो के जरिए पता चली से। तो संगवारी मैं शादी के बाद ना शादी होके तो 6 महीना तक तो कोई सूट नहीं पहन रहो यहाँ ससुराल में, मैं कि मैं तो पहनो ऐती वती घूमल जाऊँ तब भी पहनो, ये ससुराल में नहीं पहन रहो। लेकिन उसके बाद शादी के 6 महीने बाद मैं धीरे धीरे सूट पहनो, लेकिन सबसे फर्स्ट बार जब मैं सूट पहने हो तो बहुत झन मन बोलते कि बहुत अनकम्फर्टेबल लगते अपन ससुर अपन पति अपन सास अपन मतलब फैमिली के सामने में सूट पहने पर, बोला कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं लगी संगवारी कभी कि सूट भी वतनी सादगी सुंदरता दिखाते जब मैं साड़ी दिखाते, साड़ी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते पर सूट भी कोई कम नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं लगी इस कवर की सूट में भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर मोर घर के मतलब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मोर पति ला कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर मोर आदत भी हो गई पहने की और मतलब अच्छा लगते और कंफर्टेबल लगते। और ज़्यादातर बताओ संगवारी मैं ज़्यादातर कहीं भी जाता हूँ सूट पहन के मोर पति के कारण जाता हूँ, मैं साड़ी भी निकाल लेती हूँ ना तो रख देते वापस अलमारी में सूट ला पहन, कवर की ओला लगती कि साड़ी पहनूँ तो ज़्यादा टाइम लगा हूँ एक रेसे थी और कुछ कारण नहीं, तो सूट पहने के और एक रेसे थी मोला वो दे देते कि सूट पहन जल्दी चलना ही कर। तो बस ज़्यादा गुड़ बात नहीं करो संगवारी हो, आप मतलब मोर वीडियो और मोर कैसे लगी आज की बताऊँ, अच्छा लगी सो लाइक कमेंट शेयर कर दूँ, चैनल में नवा हूँ तो सब्सक्राइब कर दूँ, मिलते नया ब्लॉग में, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, बाय राधे राधे।